अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फन जोन। मेरा नाम है फैज जैनुलर एंड वेलकम बैक विद अ न्यू चैलेंज भाजी। सो ये जो चैलेंज है ये है कहानी चैलेंज। कहानी चैलेंज आ कहानी गेड़ी भाजी, भाजी आ कहानी गेड़ी थी मेरी। ये है स्टोरी चैलेंज। तो जी आज सुनानी है कहानी, आज हम कहानी पौनी है, कहानी पौनी है। ये जो है स्टोरी चैलेंज है और ये हमारे अंदाज में होगा स्टोरी चैलेंज। इसमें होगा कुछ नहीं, हमने दो दो लाइनें मिलेंगी, जहाँ से दो लाइनें मैं स्टार्ट करूँगा और जैन भाई स्टार्ट करेंगे। अगर जो दो लाइनें स्टार्ट की हैं अगले बंदे ने उसी दो लाइनों से स्टार्ट करनी होगी स्टोरी, उसने जहाँ पे एंड किया उसी वक्त। कहना तुझे यार, कहना तुझे ये चाहते हैं अभी खान पीन ना करन कुछ नहीं यार, छोड़ दिया लॉक हो गए भाजी, सारी पेंडिंग रख दो भाजी, सारी लिस्ट पेंडिंग से करते ये भूख लगी है भाजी, वो अपना घर से इंतजाम करते हैं। ठीक है भाजी, जो जी करते करूँगा। हाँ जी जी, तो जी चैलेंज का करते हैं आगाज बिना किए बकवास। जी एक रात हुआ कुछ क्योंकि एक मुन्ना सोया हुआ था, मुन्ने को सोए हुए तो याद आया कि मैंने तो रात दरवाजा बंद ही नहीं किया। दोला ने मेरी हाँ भाजी, वो उसी रात फिर उठ के जब उसने जाके देखा तो दरवाज़ा बंद ही था, बंद क्या ताला भी लगा था। जब वो बाहर वो जब गया उसने सोचा सर शायद कल वाला दरवाज़ा होगा जो खुला रह गया। अच्छा, जब उसने ये याद आया कि कल वाला दरवाज़ा खुला रह गया तो उसकी तब ही नज़र खुले दरवाजे पर पड़ी जो कि अभी तक खुला हुआ था। तो फिर याद आया कि ये वाला नहीं दरवाज़ा, वो वाला खुलने वाला था, बंद करने वाला था। फिर वही दरवाज़ा जो खुला था ना भाजी, हाँ जी, वहाँ से दो चोर आए अंदर। अच्छा, और मुन्ने को उठा के ले गए। अब जैसे ही चोर अंदर आए, मुन्ने ने उसको देखा, मुन्ने को उन्होंने उठा लिया। जब जब ही मुन्ने को उन्होंने उठाया, मुन्ना बाहर जाते जाते दरवाज़ा बंद करके दोबारा चले गया। वो जब बाहर गया तो दरवाज़ा फिर बंद ही था। बाहर गया दरवाज़ा बंद करके गया तो बाहर जाते हुए उसको एक अंकल ने देख लिया। वो था अंकल था पुलिस वाला अंकल। पुलिस वाला अंकल, पुलिस वाले अंकल ने जब उसे देखा तो उसने देखा ये किसका मुन्ना है। जब उसने देखा कि ये किसका मुन्ना है तभी उसको याद आई ये तो फलाने फलां लड़के के फलां बाप फलां बिन फलां बिन फलां है, फलां बिन फलां बिन फलां है। अच्छा जी, तभी उसने उसके बाप को कार किया कि तुम्हारा मुन्ना तो घर से बाहर जा रहा है और दो आदमियों के साथ जा रहा है, आदमी उसे पकड़ के ले कर जा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती फिर वो पुलिस वाला जाता है वो चोरों से उस मुन्ने को ले कर घर उसके बाप को पकड़ा के मुन्ने को चला जाता है। जब भी उसके घर पकड़ा के जाते हैं मुन्ने का बाप उसके बाप से पूछता है कि तुमने मेरे बेटा तुम इतनी रात को बाहर क्यों गए थे। तभी मुन्ना उनसे कहता है कि मैंने रात का दरवाज़ा बंद करने गया था तो तभी दूसरे दरवाजे से दो चोर अंकल अंदर आए और मुझे उठा के बाहर ले गए। तो बाकी की कहानी पुलिस वाले सुनने फिर मुझे डैट मीन आई हैव मैं चैलेंज जीत गया मेन बात। तो जी इस टाइम जैसा कि आप लोगों को पता लग गया है कि अब क्या होने वाली है, कुछ भी नहीं, अब होगी पनिशमेंट। पाजी अभी तो एक लेवल ही है पाजी, लेवल कौन से लेवल, कौन से लेवल यहाँ होंगे पनिशमेंट, अब होगी पनिशमेंट पनिशमेंट पनिशमेंट। तो जी हम काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए थे और पनिशमेंट के बारे में सोच रहे थे कि पनिशमेंट कौन सी करवाई जाए और किस तरह की पनिशमेंट करवाई जाए और थोड़ी दिलचस्प और उससे कोई फ़ायदा भी पहुँचे। अब फ़ायदा पाजी पनिशमेंट जो किड़ा फ़ायदा, तो मेरे जहन में एक पनिशमेंट आई है वो भी यहाँ बैठे बैठे इसके गंदे दिमाग में आई है पाजी। अच्छे दिमाग में अच्छी पनिशमेंट आई है, गंदे दिमाग में गंदी पनिशमेंट। पनिशमेंट ये है आप लोगों को, पहले मैं दिखा देता हूँ। जैन भाई ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कचरा जमा हुआ है तो जैन भाई को वो कचरा कलेक्ट करना होगा और एक प्लास्टिक बैग में उसको पैक करके कहीं पर दूर फेंकना होगा। ये पनिशमेंट है जी। सफाई की सफाई, माहौल अच्छे का साफ और पनिशमेंट की पनिशमेंट। तो जी पहले कचरा दिखा देते हैं, कचरा दिखाते हैं। पनिशमेंट की तो समझ नहीं आई मुझे, सफाई मैंने करनी है, सफाई आपने करनी है भाजी, ठेका मारे टाउन वाले ना नाम चले जी, करनी पड़नी है, क्या करें क्या करें, बिल्कुल सही पहुँचे करते यस। और भी है, वो भी है। सफाई वाला काम आज जैन भाई खुद करेंगे, खुद किया जाएगा। वो भी है भाई, वो भी है, वो भी है।
यार कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि ऐसा कैमरा करो वो चीज क्या हो जाए। चलें जी अपना काम स्टार्ट करें भैया। हौसला करो चादर भी लाओ। ये आप काम करेंगे 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 अपने मुल्क की खातिर करेंगे। बिल्कुल भाई ये बात ज़हन में रख के करेंगे। सफाई ईमान है, ईमान है लेकिन अपने मुल्क की खातिर करेंगे। एक तो जी इस पनिशमेंट देने का मकसद सिर्फ बस सिर्फ यही था कि निसफ ईमान है और हमारी पनिशमेंट भी हो जाएगी। हर चीज़ का फायदा ही फायदा। अपने हाथ दिखाएं ज़रा। ये नुकसान है, ये फ़ायदा है भाई। भाई ये तो नुकसान है भाई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करते हैं, उनको खराज तहसीन है सबसे पहले। बिल्कुल। तो आप सब लोगों से भी यही गुजारिश है कि जैसे भी जहाँ पर भी कचरा, पहले तो ये कोशिश करें कि कचरा आपकी वजह से फैले ही ना। अगर आप की वजह से यहाँ किसी और को फैला दे तो उसको कलेक्ट लाजमी करें। सही बात। अगर आप हम तो हैं इंसानियत के नाते नहीं करना चाहते, मुसलमान हैं तो ये सोच रहे कि सफाई नहीं सिर्फ ईमान है, मन इंसानियत के नाते करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्क को साफ रखें जी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।